ऑलराइट, वेलकम बैक टू माई चैनल इंडियन एक्का बॉय, बैक विद अ न्यू वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले मैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों को लाइक बिग थैंक्स बोलना चाहता हूँ। रियली ओवरवेल्म्ड जिस तरीके से, जैसे ही मैंने अपने सर्कल के बारे में अपडेट किया था और आप लोगों ने जिस तरीके से मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस भेजे हैं और यूट्यूब वीडियो पे कमेंट्स किए हैं और उसके लिए प्रेयर किया है। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर दैट। आई गॉट रियली टच द वे यू वर कंसर्न अबाउट हर, और आपकी प्रेयर काम आ रही है। शी इज़ ऑलमोस्ट 85% रिकवर्ड। तो वही मेरे को आपको अपडेट देना था, मैं आपको दिखाता हूँ। प्लस एट द सेम टाइम आई अंडरस्टैंड कि काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है और यूजली एकदम से वेट नहीं मिलते हैं। तो चलिए मैं आपको आगे उसकी कंडीशन दिखाता हूँ कि कितनी रिकवर हो गई है। प्लस आपको बताता हूँ कि अगर बस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, जब ऐसा कुछ हो तो प्लीज़ खुद से, तो मतलब आप फर्स्ट एड दे सकते हो, बट ऑफकोर्स प्लीज़ माई फर्स्ट रिकमेंडेशन विल बी, अगर वेट अवेलेबल है तो वेट के पास जाइए, अगर नहीं तो जो मैं आपको अभी दवाइयाँ दिखा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा मददगार रहती हैं और हेल्प करती हैं। तो चलिए मैं अब आपको अपना टर्टल का स्टेटस दिखाता हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, मैं ज़्यादा भी इसको परेशान ना करते हो, आपको जल्दी से यहाँ नीचे रख के दिखाता हूँ। बट ये आप देख सकते हो कि कितनी मूवमेंट कर रही है, तो बहुत हेल्दी है अदरवाइज़। तो जो ये वाला पोर्शन था इसका, वो ऑलमोस्ट रिकवर हो गया है। ब्लीडिंग नहीं है बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल ब्लीडिंग नहीं है। और टच वुड, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अगर इंटरनल ब्लीडिंग उतनी नहीं होगी तो उससे काफ़ी मदद मिलेगी, और इंटरनल ब्लीडिंग नहीं हो रही थी इसकी वजह से काफ़ी ठीक है। और इसके यहाँ नीचे भी जो थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, यहाँ पर भी ब्लीडिंग जा चुकी है बिल्कुल। तो शी इज़ परफेक्टली फाइन नाउ और काफ़ी सही है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो सबसे पहले आप ले सकते हैं वो है हाइड्रोजन परऑक्साइड और एक कॉटन, ताकि जैसे ही उसकी जो भी इन्फेक्टेड एरिया है आप उसको इस हाइड्रोजन परऑक्साइड से अच्छे से साफ कर सकें, ताकि उस जख्म में कोई वायरस या बैक्टीरिया ना लगे। तो सबसे पहले आप ये ले सकते हैं। वो करने के बाद आप ये जो ऑइंटमेंट है ओवरडाइन, आप ये चीज़ को यूज़ कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था। इनफैक्ट अभी भी एक ड्रेसिंग मुझे हल्की सी करनी है तो मैं दिखा दूँगा। एंड देन ये प्रीडिंग सोलवन, आई डोंट नो मैं सही बोल पा रहा हूँ पर तो मैं लिख दूंगा इसका नाम, आप देख सकते हैं। तो ये है एक्चुअली एक जो अंदर ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स है उसकी, तो इसके इसको ना कॉटन से लेके इसके हाली दो ड्रॉप इसके मुंह में डालने हैं, ताकि इसके ब्लड के जो अंदर का ब्लीडिंग का इशू है उसको कंट्रोल करने के लिए। प्लस जब मेरी एक आधी कैसे भी करके वेट से बात हुई है, अगर जब उनका माउथ की ब्लीडिंग नहीं रुकती है गाइस, तो वेट ही आपका एक ऑप्शन है। और दे गिव सम इंजेक्शंस, अगर वो मुझे पता लगेगा तो मैं वो भी बता दूंगा आपको। तो वो इंजेक्शन देना ही पड़ता है ताकि अंदर की ब्लीडिंग रुके। एंड अगेन मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आप सबको, आप सबके प्यार की वजह से वो देखिए भी इतनी हेल्दी है, अच्छा खासा मूवमेंट कर रही है और बिल्कुल परफेक्टली फाइन है। और उसको एक दो दिन बाद यहाँ पर दोबारा शिफ्ट कर दूंगा और अपना अच्छे से घूमेगी। तो बाय द वे, जिन्होंने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा होगा, आपको पता होगा कि इसमें एक एरोवाना घूम रही है, वो रही शायद। तो ये एरोवाना की वजह से मैंने एक एक्स्ट्रा नेट यहाँ पर लगाया था ऐसे करके, और वो उस नेट से निकल के आती थी, अदरवाइज ये बाहर नहीं निकल पाती थी। तो आई एम मच रिलीव नाउ एंड शी विल बी फाइन सून। एक दो दिन में वापस इधर जाएगी और यस, अगर आप दोबारा एरोवाना वहाँ देख लेंगे, अगर आप देख पा रहे हो। तो अब चलिए मैं जल्दी से इसमें इसको अप्लाई करके दोबारा ड्राई होने के लिए रख देता हूँ। और येस ऑफकोर्स ऑल्सो, अगर वो ज़्यादा माउथ ब्लीड नहीं कर रही है और प्लस उसको थोड़ा बहुत खाना देना, बिकॉज आई ट्राइड गिविंग हर पैलेट्स एंड, और वो तो नहीं खाएगी इस टाइम पे, तो इसलिए मैं कैरेट जूस का बना के उसका सोक से जो कैरेट जूस होता था वो कॉटन के थ्रू उसके माउथ में डाल देता था, ताकि इसको विटामिन मिलती रहे। तो बस यही है। चलो अब इसको मैं यहाँ पर इसका अपडेट इतना ही, जल्दी से एक टूर दे देता हूँ और वीडियो को एंड करता हूँ। तो
ये रहा बार्किंग पॉइंट, जिसमें वो रहता है वो इजिली यहाँ बार्किंग करता है, वहाँ करता है और यहाँ आके बैठ जाता है। यहाँ से कभी निकल नहीं पाता, अगर आप पूरा देखो तो यहाँ से निकल नहीं सकता। तो वो नेट जो एक्स्ट्रा लगाया था हमारे एरोवाना के लिए, उससे वो यहाँ से चढ़ा है, यहाँ से निकला है और यहाँ से। बट छोड़ अब ठीक है, ये फिशेज की मैं जल्दी से सारी अपडेट दूंगा। एनी वेज, अगर आप आई डोंट नो एरोवाना देख पा रहे हैं कि नहीं, हो रहा था तो एरोवाना और जाइंट गुरामी को मैं जल्दी से शिफ्ट करने वाला हूँ। चलिए वहाँ के तो मिनी पॉन्ड है वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा मिनी पॉन्ड, और अगर आप देख सकते हैं तो काफ़ी फिशेस सब बढ़िया हैं। मैं देखता हूँ फीड करने की कोशिश करता हूँ, करता हूँ। चलिए इनको डालता हूँ मैं पैलेट। ये देखिए, तो इसमें जेब्रा हैं, मोलीज हैं, गप्पीज हैं और रेड सेट ट्वेल है, तो ये भी काफ़ी प्यारा लगता है यहाँ पे देखने में। और आई गेस कुछ फीमेल मोलीज ऑलरेडी प्रेगनेंट भी हो गई हैं यहाँ पे। चलिए बंदर ऑस्कर टैंक दिखाता हूँ और एक वाना से मिलवाता हूँ। और ये रहा हमारा ब्लू मार्श है, अगर आप देख सके तो इस एंगल से आपको अच्छे से दिखेगा। ये तो इसका घर भी आने वाला है 2-3 दिन में, तो इसके इनक्लोज़र का वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगा। और ये भी काफ़ी बढ़िया कर रही है। तो चलिए वो ऑस्कर टैंक दिखा देता हूँ। तो ये रहा हमारा ऑस्कर टैंक, ये रही हमारी अल्बाइनो, आज ये इंट्रोड्यूस करेगी। देखिए दोनों एक दूसरे को कैसे देख रहे हैं। और वो रही हमारी अल्बाइनो, कॉपर, रेड पैरेट, येलो पैरेट, तो ये सब हैं। और नीचे आने वाला है हमारा ऑस्कर और उसका जैंगुरामी का टैंक। तो गाइज ये था वीडियो अपडेट ऑन माय टर्टल, जिसमें आपको दिखाना था कि शी इज़ डूइंग वेल और आप सबकी विशेज और दुआओं से शी इज़ परफेक्टली फाइन एंड माई लॉन्ग बॉस 90% ठीक हो गई है। इसका जल्दी से एक और अपडेट मैं जल्दी दूंगा आपको और बताऊंगा वो कैसे क्या कर रही है। और नेक्स्ट वीडियो मे बी या एरोवाना या जैन गुरामी के लिए जो टैंक ला रहा हूँ, फिलहाल प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो साइज़ मैंने मंगवाया है वो वहाँ उसके पास आ नहीं रहा है, वो थोड़ा छोटा वाला भेज रहा है। तो मैं वेट तो ऑलरेडी 1.5 वीक से कर रहा हूँ, मैंने कहा थोड़ा और देर कर लूँगा। इसको एक सेकेंड पकड़ लेता हूँ। अच्छा भाई वो देखो उधर भाग रही है, ऊपर आ जा। तो मैं उसके लिए ऑलरेडी वेट कर रहा हूँ, प्लस इसका भी इनक्लोज़र 2 दिन में आने वाला है। तो कोई भी वीडियो जल्दी से अपडेट लाऊंगा। बाय द वे, अगर आप मेरा वीडियो पहली बारी देख रहे हैं तो मैं ऐसा ही एक छोटा सा हॉबिस्ट हूँ जो इन सब पे वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, पॉन्ड, टर्टल्स, इगुआना और ऐसी फिशेस। तो अगर आपको ऐसे और भी कंटेंट देखना है, ऐसे और भी वीडियोस देखने हैं, तो प्लीज़ डू हिट सब्सक्राइब बटन। एंड सॉरी ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा ही लाइक इनफॉर्मल वे में शूट कर लिया, बिकॉज थोड़ी मेरी भी तबीयत डाउन है। बट ठीक है, जल्दी आएंगे और अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे, अपना प्यार बढ़ाते रहें। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, आसपास जरूरतमंद लोगों की हेल्प करें। बाय।